नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर आप बात करें स्पेशली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, जहाँ कंटिन्यूज हीट वेव टू सीवियर हीट वेव पड़ रही है। जनरली जो अगर हम आईएमडी का क्राइटेरिया बताएं, जनरली हम क्या करते हैं कि जब टेम्परेचर आपके नॉर्मल 40 से ज़्यादा हो जाते हैं और डिपार्चर 4.5 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हम हीट वेव बोलते हैं, लेकिन टेम्परेचर्स हैं 45 डिग्री से ज़्यादा पहुँच जाते हैं। दूसरा हमारा आईएमडी का क्राइटेरिया ये है कि अगर 45 डिग्री टेम्परेचर्स होते हैं तो उसको हीट वेव बोलते हैं, अगर 47 होते हैं तो सीवियर हीट वेव बोलते हैं। ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसे ही सिनेरियो बना हुआ है। राजस्थान में भी टेम्परेचर 47 तक टच कर रहे हैं, दैट इज 46 प्लस हैं। सिमिलरली अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहां भी टेम्परेचर 47 तक हैं, पंजाब, हरियाणा, वहां भी 45 प्लस हैं। तो आने वाले 5 दिनों के लिए हमने पूरा जहां रेड अलर्ट दे रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश। इसके अलावा नॉर्थ मध्य प्रदेश, वहां में भी हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का वार्निंग दे रखा है, ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। सिमिलरली बिहार पे भी हीट वेव पड़ रहा है, लेकिन 2 दिनों के बाद वहां थोड़ी कमी हो जाएगी क्योंकि समुन्द्र से हवाएं आएंगी, ईस्टर्ली वेव्स आएंगी, तो मेन ईस्टर्ली वेव जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी तो टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा गुजरात में भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव कंटिन्यू रहेगा। हम अनुमान नहीं लगा रहे कि टेम्परेचर में गिरावट रहेगी, ऑलमोस्ट जैसे टेम्परेचर चल रहे हैं वैसे ही रहेंगे, एक आधा डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा। इसी को देखते हुए हमने रेड अलर्ट दिया है और इसके साथ ही आईएमडी एनडीएमए के साथ मिलकर एडवाइजरी इशू करता है कि लोगों को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जनरली ऑब्वियस है कि धूप के टाइम बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर निकलते हैं सीट ढक के जाना चाहिए। सिमिलरली फ्लूड का इंटेक ज्यादा रखना चाहिए और लाइट क्लॉथ पहनने चाहिए। इस टाइप का वेरियस हम एडवाइजरी साथ में अपने बुलेटिन में अटैच करते हैं।